of redoxation, balancing of redox. ठीक, अब बैलेंस करने के दो मेथड है हमारे पास. एक तो हाफ रिएक्शन मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन. पर हम वही मेथड पढ़ रहे हैं जिसका सबसे फुल प्रूफ मेथड है. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड. अब हाफ रिएक्शन मेथड में जो स्टेप्स हैं, इसमें सबसे पहला तो हम ले रहे हैं केस फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम. इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम हम किसको बोलेंगे कि जहां रिएक्शन में एसिड कोई इन्वॉल्व हो, है ना. जैसे मैंने बोला KMnO4 प्लस FeSO4 और साथ में मैं H2SO4 लिख दूं, तो अगर रिएक्टेंट के साथ एसिड पड़ा हुआ है तो एसिडिक मीडियम बोलेंगे. या फिर देखने का दूसरा तरीका यह है कि मान लो किसी रिएक्शन में H+ आपको दिखाई दे जाए, या तो क्वेश्चन में खुद ही बोल देगा कि मीडियम कौन सा है, या फिर ना बोले तो H+ दिखाई दे रहा है तो वो एसिडिक मीडियम होगा. अब इस केस में हमें क्या करना है, इसके स्टेप जो है वो देख रहे हैं हम कि स्टेप फर्स्ट वो है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस एंड सेपरेट देम ये पहला स्टेप है. दोनों को आइडेंटिफाई करके हमें सेपरेट करना है. स्टेप टू है बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट. उसके बाद स्टेप थ्री, मैं बंद कर देता हूं इसमें. स्टेप थ्री बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O. इसमें पॉइंट ये होगा कि एड H2O वेयर ऑक्सीजन एटम्स आर लेसर. जहां कम संख्या में होंगे ऑक्सीजन, उसी तरफ हमें क्या जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल्स. इसके बाद स्टेप फोर एड, या इसको मैं बोलूं कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाई H+ प्रोटोन. ठीक, और इसमें यही होगा एड प्रोटोन वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर लेसर. इसके बाद स्टेप जो है स्टेप फाइव होगा बैलेंस चार्ज By the help of electrons. Step 6 होगा इसमें add both oxidation and reduction half reactions. Such that electrons are cancelled out. चलिए, तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं इसमें वो क्या है, मेथड हमारा कौन सा है. मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड.
एसिडिक मीडियम होगा तो एच प्लस होंगे रिएक्शंस में, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है. पहला स्टेप आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस एंड सेपरेट देम. दूसरा बैलेंस ऑल एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फर्स्ट. इनके अलावा जितने भी एटम पड़े हुए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा उनको पहले बैलेंस करना है. उसके बाद बारी आएगी ऑक्सीजन एटम की. बैलेंस ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एड वाटर वेयर ऑक्सीजन एटम्स आर लेसर. बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एच प्लस, एड एच प्लस वेयर हाइड्रोजन एटम्स आर लेसर. बैलेंस चार्ज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल्ड आउट. अब इनको फॉलो करते हुए हम बैलेंसिंग देखते हैं. Cr2O7 माइनस 2 प्लस Fe प्लस 2, यहां से Cr प्लस 2 प्लस 3 प्लस Fe प्लस 3 और हमें दे दिया कि ये एसिडिक रिएक्शन है एंड आयनिक फॉर्म है. अच्छा, मैं इसको आयनिक फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन के अंदर सारे मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, आयंस. तो इसे क्या नाम देंगे, आयंस, आयनिक फॉर्म. सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन. इसकी स्टेट प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2. क्रोमियम एटम प्लस 6 से प्लस 3 गया, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन क्या कहलाएगी. ये गया प्लस 2 से प्लस 3 तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन. तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब इनको सेपरेट करेंगे. मैंने Cr2O7 माइनस 2 के साथ लिखा Cr प्लस 3 और इधर Fe प्लस 2 के साथ लिखा मैंने Fe प्लस 3. अब बैलेंसिंग करना चालू करते हैं. ऑक्सीजन बाद में करेंगे, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करते हैं. इस साइड क्रोमियम एटम्स कितने हैं, 2, इस साइड 1. तो बैलेंसिंग करने के लिए मैं आगे क्या लगा दूं इसमें कोफिशिएंट, क्रोमियम बैलेंस हो गया. अब किसकी बारी आएगी, ऑक्सीजन. इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 7. इधर ऑक्सीजन कम है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर क्या जोड़ दें, H2. कितने H2 जोड़ू, 7. बैलेंस हो गए 7 ऑक्सीजन. अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 14. इधर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ू, H प्लस. कितने जोड़ू, यहां 14 है तो यहां कितने आ जाएंगे. अब अगली बारी किसकी आएगी, चार्ज की. चार्ज अलग से कैलकुलेशन करेंगे ताकि गलती ना हो. माइनस 2 माइनस 2 प्लस प्लस 14 तो ये कितना हुआ, इधर 12 प्लस का 12. इधर 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6, इसमें चार्ज 0 तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 6 का. तो यहां प्लस 12 और यहां प्लस 6, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन कितने जोड़ने, 6. अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ू मैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है ना भाई. अगर मैं प्लस 12 को कम करना चाहता हूं तो मैंने नेगेटिव चार्ज क्या जोड़ा, इलेक्ट्रॉन माइनस 1 और कितने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि ऐसा करने के बाद मैंने इसको नेमिंग कर दिया ए, ठीक ना. अब इधर आ जाते हैं, यहां प्लस 2 या प्लस 3, अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, 1. यानी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, किस साइड जोड़ू इलेक्ट्रॉन, प्लस. बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर बी. अब दोनों को सेपरेट करने के बाद हमने बैलेंसिंग कर ली. बैलेंसिंग करने के बाद इनको वापस जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन वहां कैंसिल आउट हो जाए. इलेक्ट्रॉन इस साइड कितने हैं, 6, इधर कितने हैं, 1. तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं, इसको मल्टीप्लाई. अब हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, यहां गलती होने के चांसेस हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा कैसे लिख दूं, प्लस या 14H प्लस, ठीक है. इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, उनको छोड़ दिया. ये मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां इस सिस्टम में,
प्लस ये 6Fe प्लस 2 इधर आ जाते हैं 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2 प्लस 6Fe। अब ये बैलेंस हो गया है। अब अगर मान लो हमें कंफ्यूजन है, ये सबसे आसान चीज है, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आंसर सामने दिखाई दे रहा है इसको अपन चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, या तो किसी एटम से देख लो या चार्ज से देख लो। चार्ज देख लेते हैं, माइनस 2 प्लस 14 प्लस 12 टोटल कितना, दोबारा बोलता हूं, सुबह सुबह दिमाग आपका कम काम कर रहा होगा, माइनस 2 प्लस 14 प्लस 12 24, 2 इंटू प्लस 3 6 प्लस 18, तो बैलेंस चेक किया जा सकता है आसानी से। एक होमवर्क, एक क्वेश्चन आप करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये प्लस 7, ये प्लस 4, ये प्लस 2 और यहां सल्फेट में प्लस 6। प्लस 7 से प्लस 2 इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है रिडक्शन, प्लस 4 से प्लस 6 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे दोनों को, तो MnO4 माइनस से Mn प्लस 2 और दूसरा SO4 माइनस 2 से SO3 माइनस 2 से SO4 माइनस 2। अब पहले इसे बैलेंस करते हैं, Mn दोनों साइड बैलेंस है, इस साइड जोड़ दिया मैंने वाटर, कितना जोड़ू 4, क्योंकि इधर 4 है, इस साइड क्या जुड़ेगा 8H प्लस, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब चार्ज की बारी आई, माइनस 1 प्लस 8 प्लस 7 और इस साइड प्लस 2, इधर 7 इधर 2, अंतर कितने का है 5 का, तो इस साइड में क्या जोड़ दूं 5। जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज्ड है, नेगेटिव चार्ज, या फिर जिधर नेगेटिव चार्ज कम होगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, दोनों में से एक चीज याद रख लें। ये इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाते हैं, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4, इस साइड 1 वाटर मॉलिक्यूल, इधर 2H प्लस। अब चार्ज की बारी आई, माइनस 2 माइनस 2 बराबर है, इधर 0 इधर प्लस 2, तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ये बी इक्वेशन। अब ये कर चुके हो आप, तो a इंटू टू करूंगा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और 2 है यहां तो b मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब अगला काम क्या करना है मुझे, कि मुझे इनको सीधा मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ठीक है, तो सॉल्व अपन बाद में करेंगे, पहले मैं सीधा मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा हूं क्योंकि मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, आप दो स्टेप में कर सकते हैं इसे, 16H प्लस प्लस, चाहे तो अपन ये 10 इलेक्ट्रॉन भी लिख दें ताकि हमें पता लग जाए कि कैंसिल आउट हो रहे हैं। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2Mn प्लस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 8H2O, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया 5SO3 माइनस 2 प्लस 5H2O, जोड़ रहे हैं सिंपल इन दोनों को, इधर मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5SO4 माइनस 2 प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया दोनों तरफ। अब क्या चीज बच जाएगी, वाटर इधर कितने हैं 5, सही है 5, और इधर कितने हैं 8, तो इसको इधर ले जाऊंगा तो ये लास्ट में 2MnO4 माइनस, अच्छा H प्लस इधर 16 है इधर 10 है तो उसको इधर लाके 2MnO6H प्लस प्लस 5SO3 माइनस 2, यहां से इधर 2Mn प्लस 2 प्लस 3H2O प्लस 5SO4 माइनस 2। अब आप या तो एटम को देख के चेक बैलेंस कर लो, चेक कर लो, या फिर चार्ज से चेक कर लो। अब ये बताइए कितने लोगों का सही है, ईमानदार से हाथ खड़ा करके बताना, ठीक। चलो तो बस अब आपको ये देखना है कि कहां अपन ने मिस्टेक की है, ठीक ना, ज्यादा अगर मिस्टेक कहां पे होगी, या तो यहां होगी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते समय, ठीक ना, या फिर दूसरी मिस्टेक कहां होगी कि जब अपन इन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो यहां सोल्व करने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया शॉर्टकट ना मारे अपन, दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग लिख दे,
ठीक ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें और फिर जोड़ें इनको, है ना, मैंने एक ही स्टेप में जोड़ दिया है ना, तो गलती नहीं होगी। ठीक, अब ये बैलेंसिंग हम किस में कर रहे थे, एसिडिक मीडियम में। अगला है बेसिक।